अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं लच्छेदार रबड़ी। तो ये हम ले लिए हैं आधा लीटर दूध, जो कि हमने रात में गर्म करके रख दिया था, और इसमें ऑलरेडी मलाई जम चुकी थी, और उसी तरह का दूध हमें चाहिए रबड़ी बनाने के लिए। तो इसे हम पैन में डालकर इस तरह से फेंटते रहे और उबलने का वेट करें। और ये देखिए व्यूअर्स, ये अपना दूध उबल चुका है, और गैस कर फ्लेम कर देंगे लो, और उसे 15 मिनट तक पकने देंगे, और इसी तरह बीच बीच में चलाते जाइए। और देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दूध गाढ़ा होते जा रहा है, और इसकी जो मलाई है वो भी आती जा रही है। और इसमें अगर से आपके पास कोई एक्स्ट्रा मलाई हो तो वो भी डाल दीजिए, हमने रात में निकाल के रख दिए थे, ये हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप इसे चलाते जाइए, और साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसे थोड़ी देर और पकने दीजिए। और देखिए व्यूअर्स, इसमें हमने 4 टेबल स्पून दिया था दूध, और 2 टेबल स्पून दिया है कॉर्नफ्लावर। इसे अच्छे से घोल लीजिए इस तरह से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, वरना दूध में जाकर वो भी लम्स बन जाएंगे। और इस तरह से डाल दीजिए अपने जो दूध पक रहा था उसमें, और तुरंत ही इसे चलाते जाएंगे। और ये हमने ले लिया है शक्कर, ये है 7-8 टेबल स्पून, आप इसमें डाल दीजिए और 10 मिनट तक और पकने दीजिए, और उसमें साथ साथ चलाते रहिए। और ये हमने काट लिया है ड्राई फ्रूट, ये सिर्फ बादाम है, आप कौन सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने मनपसंद का। ये हमने इस वाले चॉपर से चॉप किया है बादाम, ये हमने मेशो से परचेज किया था, बहुत ही अच्छा है। देखो इस तरह से डाल दिया है, दूध का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इसी तरह के फैले हुए पैन में अगर से आप बनाएंगे तो झटपट से रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये पकने लगा है, इसमें शक्कर को अच्छे 10-15 मिनट पकने देते हैं, वरना ये पानी छोड़कर पतला हो जाएगा दूध, इसलिए पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप भी इस तरह से रबड़ी बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नहीं, अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो हमको भी आपसे सीखने का मौका दीजिएगा। अगर से हमको हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखिए व्यूअर्स, इस तरह की लच्छेदार रबड़ी रेडी है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, और कमेंट में हमारे ज़रूर बताएं इस तरह की आप भी रबड़ी बनाते हैं। देखिए अभी ये गर्म है, इसे ठंडा करने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी और लच्छेदार बन जाएगी ये।